In लर्निंग सेशन वी विल लर्न अबाउट आई बैंक Bank. 2023 के यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में इसका एल आया था सो so, हम इसे डिटेल में समझेंगे इन अ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन व्हाट्स एन आई बैंक इट इज ए नॉन प्रॉफिट कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन व्हिच डील्स विद द कलेक्शन स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्निया फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग रिसर्च एंड सप्लाई ऑफ अदर आई टिश्यूज फॉर द अदर पर्पेज तो आई बैंक एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्ट करती है स्टोर करती है एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है कॉर्निया को या फिर अदर आई टिश्यूज़ को फॉर द पर्पज ऑफ कॉर्नियल ग्राफ्टिंग रिसर्च एंड सप्लाई आई बैंक का स्ट्रक्चर क्या होता है उसमें एक मेडिकल सेक्शन होता है और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है मेडिकल सेक्शन में एक कॉर्नियल सर्जन रहेगा और ट्रेंड टेक्नीशियंस रहेंगे जो भी मशीन हैंडलिंग में हेल्प करेंगे मशीन हैंडलिंग या स्टोरेज जो भी हुआ वैसा और एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन होता है इसका नॉन मेडिकल रिलेटेड काम रहता है लाइक आई डोनेशन काउंसिलर रहते हैं जो लोगों को काउंसिल करते हैं कि दैट वॉट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्यों ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर वो डोनेट करें वो कितने लोगों की हेल्प कर सकते हैं एक सोशल वर्कर रहेगा हेल्थ एजुकेटर एंड क्लर्क अब हम दोनों सेक्शंस के इंडिविजुअल फंक्शंस को डिस्कस करेंगे तो पहले फंक्शंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइसेंस विद गवर्नमेंट लोकल वॉलेंट्री एंड अदर हेल्थ केयर एजेंसीज इसमें वो लोग गवर्नमेंट के साथ टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन करते हैं उनको क्या क्या अपडेट्स हैं अपने आई बैंक के बारे में वो सब बताते हैं एंड फंड रेजिंग अभी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है सो दे नीड फंड्स तो ये फंड रेजिंग में भी हेल्प करते हैं फंक्शन ऑफ द मेडिकल सेक्शन इसमें टिश्यू हार्वेस्टिंग इवेल्युएशन ऑफ द टिश्यू अब जो टिश्यू हमने कलेक्ट किया है वो डेड तो नहीं हो गया उसमें कोई डिजीज तो प्रेजेंट नहीं है प्रिजर्वेशन उसे कितने लंबे टाइम के लिए प्रिजर्व करना होगा उस हिसाब से उसके लिए सूटेबल मीडिया सेलेक्ट करना एंड डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनिंग मेडिकल क्वालिटी ऑफ हाइस्ट स्टैंडर्ड फंक्शंस ऑफ आई बैंक क्या रहता है तो पहले आई बैंक कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन या फिर पूरा आई ग्लोब का ट्रांसप्लांटेशन में तो हेल्प करते ही हैं बट और क्या फंक्शंस होते हैं तो ये पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं कौन कंडक्ट करवाएगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूअर आई बैंकिंग प्रोसीजर्स अब जो भी उसके स्टोरेज फैसलिटीज़ हैं उसमें कुछ अपडेट्स आए हैं क्या या ई e न्यूक्लिएशन के प्रोसीजर में कुछ अपडेट्स हैं तो ये सारे प्रोसीजर्स में जो भी अपडेट्स होते हैं वो पूरी कंट्री को बताना और वो कंट्री को पूरे इन्फॉर्म कर रहे हैं देन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाना उस स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म मेडिकल स्टैंडर्ड्स ऑल ओवर कंट्री एक स्टैंडर्ड फॉलो हो एक एस ओ पी गाइडलाइंस फॉलो हो तो ये भी उसके काम में आ जाता है तो पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट करवाना कोई भी कुछ भी अपडेट्स हुए तो वो पूरे नेशन को बताना और पूरे नेशन को बता रहे हैं तो एक एसओपीज या गाइडलाइंस सेट कर अब जो सारे आई बैंक्स रहते हैं इनका पूरा एक नेटवर्क है एक अम्ब्रेला नेटवर्क है पूरे नेशन में तो इसे हम एक पिरामिड डायग्राम से समझेंगे फॉर एवरी टू थाउजेंड आई डोनेशन सेंटर्स हमारे पास फोर्टी फाइव आई बैंक्स हैं और उन फोर्टी फाइव आई बैंक के ऊपर फाइव आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर्स हैं ये ट्रेनिंग सेंटर्स क्या करते हैं लोगों को ट्रेन करते हैं जो फर्दर आई बैंक या आई डोनेशन सेंटर में काम करते हैं आई बैंक्स क्या करेंगे ये एजुकेशन प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हैं किसी भी एरिया में फिर वहां से ग्राफ्ट टिश्यू को कलेक्ट करना आई ग्लोब को कलेक्ट करना उसको प्रिजर्व करना एंड फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करना रिक्वायर्ड हॉस्पिटल्स में फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसप्लांटेशन वो काम हो गया आई डोनेशन सेंटर का क्या काम हो गया यहाँ पे आके लोग डोनेट करते हैं आई डोनेशन सेंटर किसी आई बैंक से लिंक्ड रहते हैं तो ये आई डोनेशन सेंटर जो भी ग्राफ्ट टिश्यू कलेक्ट होता है इनके पास ये आई बैंक की तरफ भेज देते हैं जब ये लोग भी अवेयरनेस कैंपेन्स कंडक्ट करवाएंगे तो हम तीनों के इंडिविजुअल फंक्शंस को देखेंगे आई बैंक ट्रेनिंग सेंटर क्या करेंगे ट्रेनिंग फॉर ऑल लेवल्स ऑफ पर्सनल इन आई बैंकिंग एंड रिसर्च सो आई बैंकिंग एंड रिसर्च में लोगों को ट्रेन करते हैं जो लोग फर्दर आगे आई बैंक या आई डोनेशन सेंटर में काम करेंगे आई बैंक का क्या काम है कोऑर्डिनेट विद डोनर फैमिलीज एंड हॉस्पिटल्स टू मोटिवेट आई डोनेशन लोगों को मोटिवेट करते हैं आई डोनेशन के लिए हार्वेस्ट कॉर्नियल टिश्यू जो लोग मोटिवेटेड है डोनेशन के लिए उनके डेथ के बाद हार्वेस्ट कॉर्नियल टिशू प्रिजर्व एंड इवेलुएट द कलेक्टेड टिश्यू डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू इन इक्विटेबल मैनर फॉर कैरेटोप्लास्टी अब ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा कॉर्निया हमेशा हमें ट्रांसप्लांट करना होता है कभी कभी कॉर्निया का सिर्फ एंडोथिलियल लेयर चाहिए हमें या सिर्फ स्ट्रोमा चाहिए सो हमें इक्विटेबल मैनर में अगर ये इस टिश्यू को डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम मल्टीपल लोगों एक साथ हम दो या तीन लोगों की हेल्प कर सकते हैं सो ये मतलब हो गया टू डिस्ट्रीब्यूट टिश्यू इन इक्विटेबल मैनर एंड टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द टिशू अब यह सब हमें अलग अलग हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है सो तो उसका ट्रांसपोर्टेशन सेफ होना चाहिए आई डोनेशन सेंटर में क्या होगा अवेयरनेस कंडक्ट करवाएंगे कोऑर्डिनेट विद डोनर फैमिलीज उनको मोटिवेट करेंगे कि आई डोनेशन करे वो हार्वेस्ट कॉर्नियल टिश्यू एंड कलेक्ट ब्लड फॉर सीरोलॉजी एंड टू एंश्योर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ टिश्यू टू द पेरेंट आई बैंक जो भी डोनेशन टिश्यू कलेक्ट किया उसे आगे भेजने के लिए ट्रांसपोर्टेशन सेफ होना चाहिए ये एक प्रोटोकॉल है ए, एम्स के किसी आई डोनेशन फैसिलिटी का इसमें इन एवरी केस ऑफ हॉस्पिटल मॉर्टलिटी किसी का भी डेथ होता है अगर हॉस्पिटल में देन डिस्कस आई डोनेशन विद फैमिली एंड सीक कंसेंट फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे हम और उनसे कंसेंट लेंगे अगर वो श्योर नहीं है देन दे कैन कॉन्टैक्ट नेशनल आई बैंक के हेल्पलाइन uh, सेंटर्स पे एंड देन ये ये लोग उन्हें गाइड करते हैं उन्हें काउंसिल करते हैं दैट वॉट आर द कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या करना चाहिए उन्हें कितने लोगों की हेल्प हो सकती है क्या नीड है इस कंट्री में सो ये लोग उन्हें काउंसिल करेंगे अगर वो कंसेंट मना कर देते हैं देन थैंक द फैमिली एंड लीव द टेलीफोन नंबर सो दैट दे कैन कॉन्टैक्ट द आई बैंक इफ़ दे विश टू डोनेट आइस लेटर उन्हें बाद में भी डोनेट करने का मन करे देन दे कैन डू बॉडी ट्रांसफर टू मॉर्चुरी जो डिजीज बॉडी रहती है उसे मॉर्चुरी में ट्रांसफर किया जाता है आई बैंक स्टाफ अगेन उनके साथ डिस्कस करते हैं कि उन्हें आई uh, डोनेट करनी है या नहीं अगर कंसेंट डिनाई हो गया सो थैंक द फैमिली और अगर वो कंसेंट दे देते हैं देन कॉन्टैक्ट नेशनल आई बैंक नेशनल आई बैंक से कुछ लोग आएंगे एंड देन दे हार्वेस्ट द टिश्यू सो इन शॉर्ट में किसी की भी डेथ होती है हॉस्पिटल में पहले उनसे कंसेंट लिया जाता है अगर वो श्योर नहीं है तो वो हेल्पलाइन पे कॉल कर लेंगे अगर वो कंसेंट मना कर देते हैं देन उनकी बॉडी ऑपरेशन थिएटर से हम मॉर्चुरी में ले जाते हैं मॉर्चुरी में ले जाके एक बार और डिस्कस किया जाता है अगर वो डिनाई कर देते हैं देन वी डोंट डू डौ एनी अगर वो कंसेंट दे देते हैं देन नेशनल आई बैंक को कॉल करके हम लोगों को बुला लेते हैं अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है आई डोनेशन के पहले अगर आपका आईबॉल ही खराब है देन यू कैन नॉट डोनेट द आईबॉल या जो भी कॉर्नियल टिश्यू है सो so, आईबॉल आपका कब खराब होता है अगर आपके कॉर्निया की शेप बिगड़ी हुई है लाइक इन द केस ऑफ कैराटोकोनस या फिर आई के जो इंटीरियर टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेम्ड है इन कंजंक्टिवाइटिस आईराइटिस यूवी विट्राइटिस रेटिनाइटिस सारे इन्फ्लेमेशन uh, वाले कंडीशन लिख देने हैं हमारे आई में कोई कैंसर हो गया तो रेटिनोब्लास्टोमा हो गया और सिस्टमिक कंडीशन क्या है जो भी चीज़ें लिम्फ या ब्लड से ट्रांसफ़र हो सकती हैं आई में उन केसेज़ में हमें आईबॉल ट्रांसफ़र नहीं करना है वरना जो रेसिपियंट है उसको भी वो डिसीजेज़ फर्दर हो सकती हैं सो एड्स रेबीज़ कुछ भी कैंसर हो गए लिम्फोमा ल्यूकेमिया एक्टिव सप्टीसीमिया या रूबेला सिंड्रोम ये सब सिस्टमिक कॉन्ट्रा कॉन्ट्राइंडेसन हो गए और ये ऑक्युलर हो गए ऑक्यूलर में सारे इन्फ्लेम कंडीशंस एक कैंसर का नाम और सेंट्रल ओपेसिटीज़ या टेरिजियम ये हो गए अब हम देखेंगे स्टेप्स ऑफ आई डोनेशन क्या है पहले हमने देख लिया कि हॉस्पिटल में प्रोटोकॉल क्या है हम लीगल परमिशन ऑप्टेन करते हैं एक बार उन्होंने परमिशन दे दी देन हम आई बैंक को कॉल करके रिक्वायर्ड लोगों को बुला लेते हैं गो थ्रू द डोनर्स मेडिकल रिकॉर्ड्स हम उसके सिस्टमिक कंडीशंस और उसके ऑक्युलर कंडीशंस के साथ गो थ्रू करते हैं और कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है या नहीं ये चेक करते हैं उसके बाद एसेप्टिक ड्रेसिंग करेंगे अपने हैंड्स वॉश करेंगे आइडेंटिफाई द डोनर कलेक्शन ऑफ पोस्टमार्टम ब्लड अभी जो भी सिस्टमिक कंडीशन है उन्हें हमें चेक करना होगा ब्लड में वो वायरस या जो

जो चारों रेक्टस मसल्स होते हैं उनको हम कट करते हैं रेक्टस मसल्स को कट करने के बाद हम जो ऑप्टिक नर्व होती है उसे कट करते हैं उसके बाद पूरा ग्लोब निकाल लेते हैं जो सिंथेटिक ग्लोब रहता है एक सिंथेटिक ग्लोब वहाँ पर इंसर्ट किया जाता है सो दैट वो एरिया एम ना लगे एक बार सिंथेटिक ग्लोब डालने के बाद हम सूचर कर देते हैं रिमेनिंग रेक्टाई मसल्स को उस सिंथेटिक ग्लोब पर अदर ऑप्शन क्या है या तो हम पूरा आई ग्लोब निकालें या सिर्फ हम कॉर्नियल ट्रांसप्लांट के लिए एक कॉर्नियल बटन बटन शेप में हम कॉर्निया को निकालें इसमें क्या हो सकता है या तो हम फुल थिकनेस कॉर्निया को बाहर निकालें या एंडोथीलियल लेयर को छोड़ के ऊपर का स्ट्रोमा निकाल लें या फिर सिर्फ एंडोथिलियल ग्राफ्ट निकालें सो ये तीन इसके वेरियंट्स हो गए देन इवेल्युएशन ऑफ डोनर टिश्यू अब आपने पूरा ग्लोब या कॉर्निया ट्रांसप्लांट निकाल लिया बाहर अब उसको चेक करेंगे कॉर्नियो क्लेरल बटन में कलर ऑफ द टिश्यू स्टोरेज मीडिया इज टू बी नोटेड टू रूल आउट कंटामिनेशन जो भी हमारा कॉर्निया कलेक्ट किया हमने वो कंटामिनेटेड तो नहीं है ये चेक करेंगे और जो फुल ग्लोब निकाला है हमने आइज विथ एक्सेस स्ट्रोमल हाइड्रेशन शुड बी डिस्कार्डेड अनलेस स्पे्युलर माइक्रोस्कोपी कैन बी डन फॉर एंडोथिलियल सेलकाउंट होल ग्लोब के केस में हम स्ट्रोमल हाइड्रेशन चेक करते हैं एंड अकॉर्डिंगली हम डिस्कार्ड या प्रिजर्व करते हैं वंस यू आर सेटिस्फाइड विद द डोनर टिश्यू आप उसको स्टोर करोगे बिकॉज इमीडिएटली हो सकता है डिमांड ना आए बाद में हो सकता है हमें उसे डोनेट करना पड़े सो शॉर्ट टर्म में टू टू थ्री डेज के लिए मॉइस चेंबर में रखा जाता है या एम के मीडियम इंटरमीडिएट में सेवन टू टेन डेज के लिए के सोल्यूशन डेक्सोल ऑप्टिसोल ऑप्टिसोल जी एस ये फोर मीडिया के नाम हो गए लॉन्ग टर्म के लिए थर्टी डेज के लिए कल्चर मीडियम या एम ई एम वेरी लॉन्ग टर्म के लिए अगर हमें स्टोर करना है लाइक फॉर वन ईयर हम प्रिजर्वेशन करते हैं एम के मीडियम का फुल फॉर्म है मैक कैरी एंड कॉफमैन मीडियम अब आई डोनेशन के लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं? सो अंडर द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट नाइनटीन क्वालिफिकेशन ऑफ द डॉक्टर एमएस ऑफ थे एमबीबीएस में शिफ्ट कर दिया गया सो so, अब एमबीबीएस डॉक्टर्स भी आई डोनेशन कर सकते हैं आई डोनेशन इन इंडिया इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय द डोनर्स सर्वाइविंग रिलेटिव डोनर के जो रिलेटिव हैं वो डिसाइड करते हैं एंड नॉट बाय द एक्चुअल डोनर बिकॉज इन मेनी केसेज जो डोनर होता है काफी डिजीज होता है या उसका मेंटल स्टेटस इस लेवल का नहीं हो सकता कि वो डिसाइड कर पाए अपने लिए क्या राइट right होगा सो so, उसके रिलेटिव डिसाइड करते हैं और उन रिलेटिव से एक रिटर्न कंसेंट लिया जाता है सो विध दिस वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ आई बैंकिंग थैंक यू फॉर वॉचिंग